डेमोक्रेटिक, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक वर्ड जो है ये डेमोक्रेसी से बना है, और जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, डेमोस प्लस क्रेशिया। डेमोक्रेसी वर्ड दो शब्दों से मिलकर के बना है, डेमोस प्लस क्रेशिया। ये दोनों जो शब्द हैं ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ठीक है। डेमोस का मतलब होता है लोग, पीपल, जनता। क्रेशिया का मतलब होता है रूल, शासन। तो डेमोस प्लस क्रेशिया का मतलब हुआ जनता का शासन, लोगों का शासन, लोगों का तंत्र, पीपल्स रूल, रूल ऑफ पीपल। तो डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोकतंत्र, लोगों का शासन, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? जो पावर है, सुप्रीम पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, जो सॉवरेनिटी है, वो लोगों के हाथ में होती है। लोग डायरेक्ट रूल करते हैं या इनडायरेक्टली रूल करते हैं, आगे समझते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक वर्ड इसको हिंदी में बोलते हैं लोकतांत्रिक, ठीक है। डेमोक्रेटिक इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी यानी कि डेमोक्रेटिक वर्ड पॉपुलर सॉवरेनिटी पर बेस्ड है, ये सिद्धांत पर बेस्ड है। पॉपुलर सॉवरेनिटी यानी पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय पीपल, मतलब जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी, जो सुप्रीम पावर होगी, वो लोगों के हाथ में है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कोई छोटी कंट्री है, कम पॉपुलेशन है, तो वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रहती है, जहाँ लोगों के द्वारा डायरेक्ट रूल किया जाता है। लेकिन जब बड़ी कंट्री की बात करें, जैसे इंडिया की बात करें या यूएसए की बात करें, कनाडा की बात करें, जहाँ पॉपुलेशन भी बहुत हाई है, क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है और डाइवर्सिटी भी है, ठीक है, तो ऐसी जगह पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल, संभव नहीं होती। तो ऐसे में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाना पड़ता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो रूल है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि लोगों के द्वारा इनडायरेक्टली रूल किया जाता है। लोग अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, नेता चुनते हैं, लीडर चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। लोग इलेक्शंस में अपना नेता चुन करके संसद भवन में, लेजिस्लेचर में या स्टेट लेजिस्लेचर में भेजते हैं, एमपी एमएलए को चुनते हैं, वो फिर लोगों के बिहाफ पर सरकार को चलाते हैं, ठीक है, कानून बनाते हैं। तो जो सुप्रीम पावर है वो उसकी एक्सरसाइज कौन करता है? वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोला जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर एंड मेक लॉज एंड रन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे स्विट्जरलैंड एक छोटी सी कंट्री है, वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। जहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए फोर डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, चार तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। आप कह सकते हैं फोर टूल्स, फोर डिवाइसेस, फोर इक्विपमेंट्स, फोर इंस्ट्रूमेंट्स, औजार, हथियार, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फोर मेथड्स हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट, इसके थ्रू डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाया जाता है। रेफरेंडम में क्या होता है कि जो भी लेजिस्लेचर या विधान पालिका के पास कोई कानून अधूरा पड़ा हुआ है, बिल है अभी पास नहीं हुआ, तो उसको पास करने के लिए, उसको उसकी सेटलमेंट के लिए
उस बिल को जिसको एक्ट बनाना है, कानून बनाना है, उसको जनता के पास, वोटर्स के पास भेजा जाता है। वो फिर डायरेक्ट वोट दे करके उसको कानून बनाते हैं, क्योंकि उसको रेफर किया जाता है लोगों के पास, इसलिए नाम क्या पड़ गया, रेफरेंडम। ठीक है, इनिशिएटिव में क्या होता है कि जब लोगों के द्वारा ही कोई इनिशिएटिव लिया जाए और किसी कानून को बनाने के लिए प्रक्रिया लोगों के द्वारा स्टार्ट की जाए, उनके द्वारा इनिशिएशन लिया जाए, तो उसको बोलते हैं इनिशिएटिव। वो लोग फिर कानून की प्रोसेसिंग को स्टार्ट करके लेजिस्लेचर में बिल भेजते हैं और एक्ट बनवाते हैं, तो इनिशिएटिव हो गया। रिकॉल में क्या होता है, रिकॉल में कोई अगर रिप्रेजेंटेटिव सही से काम नहीं कर रहा या ऑफिसर सही से काम नहीं कर रहा, तो उसको उसकी समय से पहले उसको हटा कर रिमूव कर लिया जाता है, वापस बुला लिया जाता है, रिकॉल कर लिया जाता है, तो बोलेंगे रिकॉल। फोर्थ में क्या है, प्लेबिसाइट, जिसमें केवल लोगों का, पब्लिक का ओपिनियन लिया जाता है। ठीक है, किसी भी नेशनल इम्पोर्टेंस का कोई इश्यू हो, उससे रिलेटेड कोई राय, ओपिनियन लेना हो लोगों का, तो पब्लिक ओपिनियन जो लिया जाता है उसको प्लेबिसाइट बोलते हैं। विशेष तौर पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में ऐसा किया जाता है, ओपिनियन लिया जाता है। ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, जैसे इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, एक तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दूसरी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में दो हेड होते हैं, दो मुखिया होते हैं, जैसे इंडिया में भी दो मुखिया हैं, एक राष्ट्रपति और एक प्राइम मिनिस्टर, दोनों ही मुखिया हैं। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, सरकार का मुखिया होता है, और जो प्रेसिडेंट होता है, देश का राष्ट्रपति होता है, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, पूरे के पूरे राष्ट्र का मुखिया होता है, इसलिए नाम क्या है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये दोनों अलग हैंड, दो हेड हैं, एक सरकार का मुखिया है, एक पूरे राष्ट्र का मुखिया है, एक प्राइम मिनिस्टर और दूसरा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यहाँ दो हेड हैं। ठीक है, प्रेसिडेंशियल एक होता है, प्रेसिडेंशियल यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ सिंगल हेड है, जहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहाँ सिंगल हेड होता है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ एक ही हेड है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही, वो सिंगल हेड ही सरकार का भी मुखिया है और स्टेट का मुखिया भी है, राष्ट्र का मुखिया भी है। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, एक तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, दूसरा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जहां रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, जैसे इंडिया में भी है, तो कैसे फीचर्स, कैसी राज व्यवस्था देखने को मिलती है, ये देखिए, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, जहां रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, वहां एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेह रहती है। एग्जीक्यूटिव का मतलब हुआ जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं या मिनिस्टर्स हैं, जो सरकार चलाते हैं, उनको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, कार्यपालिका। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर जैसे पूरी की पूरी संसद भवन, राज्यसभा के सभी मेंबर, लोकसभा के सभी मेंबर, या फिर स्टेट के अंदर जो विधानसभा है उसके सभी मेंबर, पूरी की पूरी विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, सब के सब लेजिस्लेचर का पार्ट है। तो सरकार जो है वो लेजिस्लेचर में विपक्ष आ जाता है, सभी पार्टियां उनके मेंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो जो सरकार है वो जवाबदेह रहती है लेजिस्लेचर के प्रति, विधानसभा के प्रति, संसद भवन के प्रति, संसद के सभी मेंबर्स के प्रति। ठीक है, पीरियोडिक इलेक्शंस, समय समय पर चुनाव होते हैं, कार्यकाल फिक्स है 5 साल, रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, स्वतंत्र रूप से जो न्यायपालिका है अपना काम करती है, किसी का भी कोई दखल नहीं होता, फाइनेंस के लिए भी वो
किसी पार्लियामेंट पर डिपेंड नहीं है, बल्कि उसका अपना अलग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही सारे एक्सपेंडिचर्स लिए जाते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो जो डेमोक्रेटिक टर्म दी गई है प्रीएम्बल के अंदर वो सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तक सीमित नहीं है, इट इंक्लूड्स ऑल्सो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर सेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 25th of November 1949, दे सेड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। मतलब सोशल डेमोक्रेसी के बिना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती ज्यादा लंबे समय तक, जो बेस है वो सोशल डेमोक्रेसी है। देन व्हाट इज सोशल डेमोक्रेसी? सोशल डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइजेज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये जो थ्री टर्म्स हैं, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता और फ्रेटर्निटी बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना, इन तीनों शब्दों को अलग अलग सेपरेटली नहीं देखना चाहिए, नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम्स। दीज थ्री टर्म्स आर द यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, ठीक है। तो टू डिफीट वन फ्रॉम द अदर इज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी। अगर इनमें से एक को भी कम कर दिया जाए, लिबर्टी हटा दी जाए, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी खाली रहे, तो इन दोनों का भी कोई मतलब नहीं है। इन तीनों में से एक को भी कम कर दिया तो बाकी दोनों टर्म्स का कोई मतलब नहीं है, सोशल डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं करेगी। और सोशल डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं करेगी तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अपने आप ही सर्वाइव नहीं करेगी, ठीक है। देखिए, अगर लिबर्टी ना हो, स्वतंत्रता ही ना हो, तो समानता का और बंधुत्व की भावना का क्या मतलब रहेगा? स्वतंत्रता ही नहीं है तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब रह गया, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी किस बात की? और अगर लिबर्टी तो है, इक्वालिटी नहीं है, तो जब इक्वालिटी ही नहीं होगी तो फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना समानता के बिना कैसे रह सकती है, प्रेम प्यार कैसे रहेगा? तो जब भाईचारा ही नहीं रहेगा, बंधुत्व की भावना ही नहीं रहेगी, फ्रेटर्निटी ही नहीं रहेगी, तो यूनिटी कैसे रहेगी राष्ट्र के अंदर? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पॉसिबल नहीं है। देन सोशल डेमोक्रेसी खतरे में, देन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अपने आप खतरे में। यहाँ लाइन दी गई है, विदाउट लिबर्टी एंड इक्वालिटी विल प्रोड्यूस सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर मैनी। तो जब डिस्क्रिमिनेशन होगा, इक्वालिटी नहीं होगी, तो क्या होगा? सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर मैनी, ठीक है, कुछ लोगों का राज होगा और बाकी, तो इक्वालिटी नहीं, डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगी, एक प्रिविलेज क्लास अलग से रूल करने लगेगी, तो तब भी डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए कहा गया है टू डिफीट वन फ्रॉम द अदर इज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। और अगर इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी, लिबर्टी अगर है नहीं है और इक्वालिटी है, तो इस चीज में बात कर चुके हैं हम कि इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव, ठीक है। तो इन तीनों का इकट्ठा होना जरूरी है, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, ये तीनों होंगी तभी सोशल डेमोक्रेसी पॉसिबल है, और जब सोशल डेमोक्रेसी होगी तभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पॉसिबल है। इसलिए कहा गया है कि सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये तीनों डेमोक्रेटिक टर्म जो प्रीएम्बल में दी गई है, उसका मतलब है कि सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी।